हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में है शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान यानी फिजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, मैं सभी पार्ट का वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करा दे रही हूँ, जो आपके ऑल फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सभी इम्पॉर्टेंट हैं। एंड इसके बाद मैं फिर से आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी, जैसा कि मैंने हर एक चैप्टर का थ्योरी सेशन एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी चीज़ें कंप्लीट करा दिया है। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सभी वीडियोज को प्रैक्टिस कीजिए, जैसा कि सभी फिजिकल एजुकेशन का पर्सनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने क्लास 11-12 के सरस्वती प्रकाशन जो NCERT बेस पर आधारित है, दोनों 11-12 के सरस्वती प्रकाशन के आल चैप्टर का मैंने मैराथन क्लास दिया हुआ है, उस क्लास को जरूर देख लीजिए। और बिहार स्पेशल जो भी BPSC एंड बिहार या स्टेट का फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 11-12 के सरस्वती प्रकाशन जरूर देख लीजिए, मैंने मैराथन क्लास दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। एक दो क्वेश्चन इस रिसर्च से पूछ लिया जाता है। दोस्तों, रिसर्च से क्वेश्चन आया हुआ था आपके BPSC में कि रिसर्च वाला डिग्री कौन सा है, तो उसमें राइट था आपका PhD एंड MPhil, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन है, अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं। तो अकृत परिकल्पना को अंतरहीन परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरहीन परिकल्पना। नेक्स्ट है, मौलिक शोध को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मौलिक मतलब शुद्ध, यानी कि मौलिक शोध को शुद्ध यानी कि प्योर शोध कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है, संभाव्यता प्रतिचयन विधि कैसा होता है? तो यह सुविधा अनुसार प्रतिचयन होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है। जो प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति होती है शारीरिक शिक्षा में, वह क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण अध्ययन पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, आंतरिक वैधता को खतरा से संबंधित है। तो आंतरिक वैधता को खतरा से संबंधित है एविस इफेक्ट, ठीक है। आंतरिक वैधता को खतरा से संबंधित क्या है? एविस इफेक्ट। एंड नेक्स्ट है, वह अध्ययन जिसमें प्रतिभागी नहीं जानते हैं कि उनको मिलने वाला जो प्रशिक्षण है प्रयोगात्मक अथवा नियंत्रित दल के अंतर्गत दिया जा रहा है, तो वह कहलाता है ब्लाइंड सेटअप। क्या कहलाता है? ब्लाइंड सेटअप। एंड नेक्स्ट है, शोधार्थी यानी कि जो शोध करने वाला होता है उसको रिसर्चर या शोधार्थी कहते हैं। शोधार्थी जो भौतिक कारणों को विज्ञान के प्रभाव से जोड़ने का प्रयास करता है, वह क्या कहलाता है? वह अनुभववादी यानी एक्सपेरिमेंटिज भी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप अपनी नौकरी को कितना पसंद करते हैं, किस तरह के प्रश्न का उदाहरण है? तो दोस्तों, यह ओपन एंड वाला प्रश्न का प्राधारित है। क्या आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि आपको कितना पसंद है? एंड नेक्स्ट है, शोध संदर्भ के उद्धरण में हेतु APA शैली होता है। तो APA शैली क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है A से अमेरिकन, P से साइकोलॉजिकल एंड A से एसोसिएशन। यानी APA का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एंड नेक्स्ट है, उद्देशीय न्यायदर्श एक संभावित न्यायदर्श की श्रेणी में होता है, क्योंकि इसका चयन होता है अंतिम समय में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शोध यानी रिसर्च द्वारा व्यवस्थित ज्ञान को उत्पन्न एवं विकसित करने के लिए अभिकल्पिकत किया जाता है? तो वह होता है दोस्तों मूलभूत शोध। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण प्रक्रिया के सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों, सब किसी भी प्रशिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले हम लक्ष्य को निर्धारण करते हैं, ठीक है,
उसके बाद हम प्रशिक्षण देते हैं, तब लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं इवोल्यूशन करते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्नांशों के विभिन्न प्रश्नों सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। तो दोस्तों यह रिलेबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता कहलाती है, यानी कि विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता होती है दोस्तों कि एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों के एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए और परिणाम हर बार सेम आए, तो उसको रिलेबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता कहते हैं। नेक्स्ट है एक शोध पत्र के सार में आरंभ से लेकर अंत तक के विभिन्न भागों का सही अनुक्रम क्या होता है। तो जो रिसर्च पत्र होता है, शोध पत्र, उसके सार में आरंभ से लेकर अंत तक के विभिन्न भागों का अनुक्रम होता है। सबसे पहले उद्देश्य होता है, ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य होता है, फिर पद्धति, उसके बाद परिणाम, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों जब एक रिसर्चर धारणा, विचार, वैल्यूज, थ्योरी आदि पर जानकारी एकत्र करता है, तब वह किस विधि का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों वह दार्शनिक अनुसंधान तकनीकों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है अवलोकन परिकल्पना सीखने के सामाजिक पहलू को बताता है, तो वह होता है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट दोस्तों सभी शोधों का अंतिम उत्पाद क्या होता है, शोध यानी रिसर्च, जो भी हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका अंतिम उत्पाद होता है जानकारी में वृद्धि यानी कि ज्ञान में बढ़ोतरी। एंड नेक्स्ट है अधिकांश शोधकर्ताओं यानी रिसर्चरों ने प्रयोगात्मक शोध विधि को सबसे विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण, सटीक एवं सही विधि माना है, क्योंकि यह विधि इसकी रूपरेखा की मांग है। तो यह जांच के तहत घटना का नियंत्रित अवलोकन द्वारा होता है। नेक्स्ट है चुनौतीपूर्ण शोध प्रश्न केवल उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो बौद्धिक क्षमता वाले हो। दोस्तों जितना बौद्धिक क्षमता वाला होगा वह उतना ही अधिक चुनौतीपूर्ण शोध पत्र को चुनेगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा और खेलों में किस क्षेत्र ने हाल में के दशक में शानदार वृद्धि की है, तो वह है शोध एंड विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों कि शोध के दृष्टिकोण से किस विषय के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा और खेल में शोध के दृष्टिकोण से बहुआयामी यानी कि मल्टीफैक्टर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है निम्न स्रोतों में से कौन सा शोधकर्ता के अनुसंधान के असाधारण बौद्धिक कौशलों को दर्शाता है, तो वह दर्शाता है व्यक्तिगत अवलोकन और जिज्ञासा। जो आपका व्यक्तिगत अवलोकन यानी कि देखने का, ऑब्जर्वेशन करने का और जानने की इच्छा है, जिज्ञासा, वह एक बौद्धिक कौशल को, असाधारण बौद्धिक कौशल को दर्शाता है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर एंड कल्पना शक्ति यानी जिज्ञासा और जानने की इच्छा शक्ति हो, वह एक अच्छा शोधकर्ता माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों शोध परिशिष्ट में सम्मिलित किया जाता है, तो आंकड़े एवं सूचना संग्रहण सामग्री को प्रयोग सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है शून्य यानी कि मूल परिकल्पना प्रदर्शित की जाती है, तो HOC। एंड नेक्स्ट है गुणात्मक शोध अध्ययनों में सामान्यतः परिकल्पना कैसा होता है, जो गुणात्मक होता है, तो वह बहुधा सृजित किए जाते हैं
क्योंकि आंकड़ों का संग्रहण, व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रस्ताव को यह भी कहते हैं। तो अनुसंधान प्रस्ताव को साइनोप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोप्सिस कहा जाता है। अनुसंधान प्रस्ताव को यह भी कहते हैं तो साइनोप्सिस। नेक्स्ट है दोस्तों उस प्रेक्षण को जिसमें सहगामी इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि शोधकर्ता उनके व्यवहार का प्रेक्षण कर रहा है को क्या कहते हैं, यानी कि उस प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन विधि जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो उसको पता भी नहीं चलता है कि हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं। तो शोधकर्ता के इस प्रकार के प्रेक्षण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न प्रेक्षण। एंड नेक्स्ट है प्रतिद्वंदी कारक जो शोध समस्या की आंतरिक वैधता के लिए खतरा है उसको क्या कहते हैं? उसको कन्फाउंडिंग फैक्टर्स कहते हैं, कन्फाउंडिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट है गैर खिलाड़ियों की तुलना में खिलाड़ी अधिक बहिर्मुखी होते हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं खेलता है उसके तुलना में जो खिलाड़ी होते हैं अधिक बहिर्मुखी यानी एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं। तो यह उदाहरण किसका है? तो यह डायरेक्शनल हाइपोथीसिस का एग्जांपल है, डायरेक्शनल हाइपोथीसिस का। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान के मुताबिक आजीवन शारीरिक सक्रियता में छात्र की भागीदारी को अच्छा बढ़ावा देता है। तो यह विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में भाग लेने के लिए आवश्यक मूल कौशलों को हासिल करना। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रतिवेदन में प्राथमिक सामग्री का उदाहरण है वह आभार व्यक्त करना। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। तो दोस्तों क्रियात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल में रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? तत्काल समस्या का हल निकलना। ठीक है, क्रियात्मक शोध यानी कि एक्सपेरिमेंटल में रिसर्च का उद्देश्य होता है तत्काल समस्या का हल करना। एंड नेक्स्ट है गैर यादृच्छिक नमूने का उदाहरण है तो वह होता है आंशिक नमूना। नेक्स्ट है अनुसंधान में परिसीमन दर्शाता है। तो दोस्तों अनुसंधान में जो है परिसीमन क्या दर्शाता है? कि अनुसंधान की समस्या के लिए सीमा निर्धारित करता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शोध को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पूर्वव्यापी अवलोकन। ऐतिहासिक शोध को पूर्वव्यापी अवलोकन कहा जाता है। नेक्स्ट है शोध धारणाओं पर आधारित नहीं है, यानी कि एक कह क्या रहा है कि जो शोध होता है रिसर्च होता है वो किसी धारणा पर आधारित नहीं होता। एंड नेक्स्ट है कारण और प्रभाव में संबंध निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कारण तथा प्रभाव में संबंध निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अकृत परिकल्पना को अनुसंधान परिकल्पना भी कहते हैं। तो अकृत परिकल्पना को किस प्रकार का परिकल्पना कहते हैं? अनुसंधान परिकल्पना। नेक्स्ट है जो कारक शोधकर्ता के नियंत्रण से परे हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मान्यताएं कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस प्रकार का शोध व्यवस्थित ज्ञान को उत्पन्न और विकसित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है वह होता है मूलभूत शोध। नेक्स्ट है बंद प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के लिए किस प्रकार का उत्तर अपेक्षित होता है? तो वह होता है बंद प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के लिए संक्षिप्त उत्तर अपेक्षित किया जाता है प्रश्न का छोटे रूप में यानी संक्षिप्त में। नेक्स्ट है किसी जटिल घटना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जिस अनुसंधान में उपलब्ध जानकारी का गहन अध्ययन और
मूल्यांकन शामिल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वसनीयता को मापने की विभिन्न पद्धतियां हैं, इनमें से स्प्लिट हाफ पद्धति में से किसका माप किया जाता है। तो जो भी उसमें ऑप्शन रहा होगा उसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है न तो आंतरिक न तो वाह है संगति, ये गलत है। यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे कि दोस्तों परीक्षण के जो मूल्यांकन की कसौटी होती है, यानी कि अच्छे परीक्षण की जो कसौटियाँ होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए विधि होती है, यानी क्राइटेरिया फॉर टेस्ट इवेल्यूशन। तो यानी कि क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट के लिए तीन चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी वैज्ञानिक प्रमाणिकता, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिबिलिटी यानी कि प्रशासनिक व्यवहारिकता, तीसरा है शैक्षिक प्रयोग यानी कि एजुकेशनल एप्लीकेशन जिसमें शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक होती है। जैसे कि जो साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी होती है वैज्ञानिक प्रमाणिकता, उसके अंतर्गत रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होता है, यानी कि विश्वसनीयता वैधता वस्तुनिष्ठता नॉर्म्स और मानक। जिसमें से जो विश्वसनीयता होता है यह क्या होता है, यह एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों को एक से अधिक बार टेस्ट किया जाता है, तो हर बार परिणाम एक ही जैसा आए तो उसको क्या कहते हैं विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, यानी कि बार बार परीक्षण यानी टेस्ट लेने पर एक जैसा स्कोर आए तो उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को ज्ञात करने के लिए पांच विधियां होती हैं, जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड, पैरल फॉर्म मेथड, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड एंड स्पीड हॉफ मेथड एंड कूडर रिचर्सन मेथड। जिसमें से स्पीड हॉफ मेथड क्या होता है, स्पीड हॉफ मेथड में परीक्षण को एक बार ही आयोजित किया जाता है, फिर प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट को उनके परिणाम के आधार पर दो भागों में सम विषम में बांटा जाता है। पहले भाग में विषम संख्या वाले क्रमांक पर आने वाले सब्जेक्ट यानी प्रयोज्यों के परिणाम आते हैं, दूसरे भाग में सम संख्या वाले, फिर दोनों के मध्य संबंध यानी कोरिलेशन निकाला जाता है। तो एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुसंधान रिपोर्ट में प्रारंभिक मामलों में शामिल है, तो अनुसंधान रिपोर्ट में प्रारंभिक मामलों में शामिल होता है संदर्भ, मुखपृष्ठ और आभार। तो दोस्तों आज की वीडियो में था सारी शिक्षा में रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस वन लाइनर, एंड नेक्स्ट वीडियो में अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि शारीरिक संरचना और क्रिया विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो एक ही वीडियो में शारीरिक संरचना और क्रिया विज्ञान नहीं हो सकता, वो 8-10 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन सभी प्रकार के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।